तो मेरे ख्याल में मैं खुद काफ़ी अरसे बाद काफ़ी स्टेडियम आया हूँ और ख़ुशी की बात है, एक बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव है, अल्लाह करे कि ये कामयाब हो एंड देन ये ऐसी चीज़ होगी कि जिसे दूसरी दुनिया क्रिकेट भी फॉलो करना शुरू करेगी, हमारे बच्चों को चांस मिलेगा, यंगस्टर्स अपने स्किल्स दिखा पाएंगे, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं दुनिया की जितनी भी अंडर 19 के प्लेयर्स आए हैं, एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी चीज़ को मैं समझता हूँ। जो मेरा रोल है वो सिंपल है, क्योंकि 20-22 साल का करियर रहा है, उसके अंदर कप्तानी भी की है मैंने, एज अ प्लेयर भी खेला हूँ, तो मैं बच्चों से जो भी बात होगी मेरी वो अपने आप को इनकी जगह पर रख के बात होगी, इसलिए कि मैं इस उम्र से गुजरा हूँ, मैं मुझे पता है कि इस उम्र में क्या सोचें होती हैं, क्या प्रेशर आते हैं, उसको किस तरह टैकल करना है, तो ये वो सारी कम्युनिकेशन है जो बिटवीन सीनियर्स और बिटवीन जूनियर्स जो है वो कम्युनिकेशन के ज़रिए है, आप उन प्लेयर्स का जो प्रेशर है उसको रिलीज़ कर सकते हो। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जिन्होंने इतना अरसा क्रिकेट खेली है उनका मेन फोकस जो है वो ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए, और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे ये मौका पीसीबी ने दिया है। देखा जाए सारे सीनियर प्लेयर जिनकी काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट है पाकिस्तान के लिए, या जो ओवरसीज़ प्लेयर्स आए हुए हैं, डैरेन सैमी की बात करो तो मेरे ख्याल में इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है और ये सारे इस एज से गुजरे हुए प्लेयर्स हैं सारे, तो आई थिंक ये एक यंगस्टर्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर इसलिए कि एक्सपीरियंस से जो चीज़ आप सीख सकते हो वो किसी और चीज़ से नहीं सीख सकते, तो अच्छा है कि जो प्लेयर अपने सीनियर्स को जल्द से जल्द उनकी चीज़ों को फोकस करे, समझे, सीखे उस चीज़ को,